हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं पापा? गुड इवनिंग हो रही है, पहली बात तो ये है। बकवास ना करो, अभी 12 नहीं बजे। 12 नहीं, नहीं अभी 2 मिनट कहाँ है, बजने वाले 11:49 हो रहे हैं भाई। देखो तो अभी गुड मॉर्निंग ही है, 11:49 हो रहा है। 10 बजे के बाद गुड इवनिंग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून हो जाता है। हम जा रहे हैं लौकी लेने, लौकी की लोज बनाएंगे। दीदी लेकर आई थी मावा। हाँ, यश की जो सिस्टर है ना, वो मावा लेकर आई थी, वो भात पे निकली आई थी, तो मावा रखा है। तो हम लोग जा रहे हैं इस टाइम, एक मतलब लौकी खरीद के लाएंगे और भी सब्जी लाएंगे, ताजी रामगंगा पे से। हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। मैंने आप लोगों के साथ ना पहले भी कई बार आपने शेयर करा होगा कि वहाँ पे ना बिल्कुल वहीं से तोड़ के और वहीं पे बेचते हैं वो लोग, गांव के लोग ही, खेत में। वो बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग। होती है ना कच्ची लौकी, होती है ना खेत में जो हाथों हाथ लेके आते हैं, हाथों हाथ बेचते हैं वहाँ रामगंगा किनारे। क्योंकि रामगंगा हमारे घर से पास में ही है, ज्यादा दूर है नहीं। हाँ। तो हम वहाँ से लेने जा रहे हैं लौकी, खीरे और भी कोई अगर मेरी सब्जी पसंद आई ना, वो ग्वाल वाल की फली वाली, भिंडी विंडी जैसी भी चीज। भिंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, भिंडी नहीं लाएंगे। तो इसी बहाने से घूमने के लिए निकले, तो आज मैंने लिपस्टिक भी लगा ली। पापा मैंने लिपस्टिक लगा ली, लिपस्टिक लगा के सब्जी खरीदने जाऊंगी। अरे क्या करोगे, लिपस्टिक लगा के तुम्हें कोई नीचे थोड़ी उतरना है। नहीं तो फिर भी मेरे को अच्छा लगेगा ना। सब लोग कहते हैं तुम तो बिल्कुल भी मेकअप करके नहीं रहती हो, तुम्हारा पार्लर है फिर भी तुम मेकअप करके नहीं रहती हो। तो पता है पार्लर से इस चीज का कोई कनेक्शन नहीं है कि मेकअप करके पार्लर वाले रहते हैं। मैं अपने पार्लर में किसी को भी लिपस्टिक विपस्टिक ये सब चीजें नहीं लगाने देती हूँ। मैं सबको बोलती हूँ अपनी स्किन का ध्यान रखो, स्किन अच्छी होनी चाहिए। ये पोतापाती नहीं, बिल्कुल नहा के लगाया करो बेबी लिपस्टिक। अच्छा नहा के लगाई है? नहीं हूँ मैं, आज सुबह में ही नहाली 11 बजे। हाँ सच्ची 11 बजे ही नहाली, रात को नहाती हूँ। हाँ अरे नहाते टाइम तो मुंह भी धुला, बाल नहीं धुले बस। हाँ नहा के तब मैंने लिपस्टिक लगाई है। वैसे मैं रोज रात को नहाती हूँ, ये मेरी मजाक उड़ाते रहते हैं कि ये औरत कुछ उल्टी है, रात में नहाती है, बताओ रात में नहाती है। अरे दिन भर मैं अपने पार्लर में रहती हूँ यार, फिर मैं वहां से जब आती हूँ तो मैं बच्चों में ऐसे नहीं जाती, तो मैं क्या कहते हैं फिर नहा के जाती हूँ। आज क्या है, आज मंडे है, क्योंकि तुम मंडे में खुला हुआ है पार्लर। हफ्ते में नहीं, तुम तीसरे दिन आना शुरू। थप्पड़ मार दूंगी मैं दुनिया के सामने, मुझे बदनाम करना चाह रहे हो। हफ्ता लंबा हो जाता है ना पूजा। अरे रोज रात को नहाती हूँ गद्दू। हाँ रोज रात को नहाती हूँ। चलो देखा, ऐसा पति होगा जो अपनी बीवी कितनी बुराइयां करता है, ये इतनी बकवास करते हैं ना मेरे साथ। बुराई नहीं कर रहे हूं, मैं अच्छा ही कर रहे हूं। फिर ना मैं निलंबा चुड़ैल बन गई, बन जाती हूँ। वो वाली फुटी शेयर करूँ इन लोगों के साथ, निलंबा चुड़ैल बन गई। कल निलंबा चुड़ैल बन गई थी, कल पूजा चुड़ैल बन गई। हाँ जो भी है, तो वो चेन्नई एक्सप्रेस का एक डायलॉग है ना, उसमें कल मैंने इनके साथ में वो ही किया कि मेरे से बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत फालतू की बकवास कर रहे थे, तो मैंने ना कल मैं चुड़ैल बन गई और मैंने इनको ना रात में धुन डाला। कैसी धुलाई हुई थी तुम्हारी, सही हुई धुलाई? धुलाई तो अच्छी हुई। हाँ पूजा चुड़ैल बन गई मैं। और तो इनकी बेटी जो है ना, वो इनकी बहुत साइड लेती है ना, तो उसने वो सब मूवमेंट कैप्चर कर लिया। यहीं से सब्जी लेते हैं, मतलब हमेशा क्या मतलब महीने में एक दो बार तो मैं जरूर आती हूँ यहाँ पे यश को लेके, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही फ्रेश सब्जी मिलती है। मतलब के यहाँ ना इधर की साइड में रामगंगा है, रामगंगा के किनारे ना तरबूज खरबूजे खीरे वीरे ये सारी चीजें ना बहुत अच्छी उगती हैं, तो यहीं से तोड़ के ये लोग यहीं पे बैठ जाते हैं लेके उसको, तो बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल मिलती है। तो हम लोग ज्यादातर ना यहीं से लेके जाते हैं ये सारी चीजें खरीद के, और बाकी जहां से मौका मिलता है, अब जैसे इधर की साइड को आना नहीं हो पाता, वरना अगर मेरा मन कभी घर पे नहीं लगता ना, तो यश और मैं दोनों ऐसे घूमने के लिए इधर आ जाते हैं, जब फिर सब्जी वब्जी खरीद के ले जाते हैं।
तो इधर की साइड में इतनी ज्यादा ना ऐसा कुछ भीड़ भाड़ भी नहीं है, और फिर कोरोना वरोना का भी इतना डर नहीं है। अदरवाइज तो कहीं भी जाओ ना अंदर मार्केट में तो यार बहुत ही ज्यादा ऐसा कुछ है, बहुत कोरोना वरोना के डर के मारे हम लोग ना खरीदते वरीदते भी नहीं है ज्यादा जाके उतर के कुछ चीजें ज्यादा। तो यहाँ से आके लेके जाते हैं ना तो अच्छा है यहाँ पे सारा कुछ, इसी बहाने घूमना भी हो जाता है, मन भी लग जाता है। और फिर बच्चों ने कह के भेजा है कि मतलब ले आओ तरबूज और खरबूजा वगैरह ले आओ, तो यहाँ पे तो खरबूजे और तरबूज बिल्कुल ताजे ताजे मिलते हैं। मतलब सुबह को ये लोग तोड़ते हैं और शाम को, मतलब सुबह से ही लगा लेते हैं ये लोग यहाँ पे अपना ये, और उसके बाद ही शाम तक तो बेचते रहेंगे ऐसे। तो यश जो है वो सब्जी खरीद रहे हैं बहुत बढ़िया करके, तुरई लौकी और भी पता नहीं क्या क्या, जो भी लेंगे हम आपको दिखाएंगे अभी। और फिर हम लोग घूम के फिर घर वापस चले जाएंगे, कहीं अभी ना कहीं भी बाहर जाने का नहीं है। मेरा घूमने का इतना मन कर रहा है ना कि मैं कहीं बाहर घूमने के लिए जाऊं, बट नहीं जा पा रहे हैं यार, बिल्कुल टाइम नहीं है, मौका भी नहीं है। मतलब अभी ना काफी सारे जो टूरिस्ट प्लेस है ना वो खुले ही नहीं है, अगर वो खुल जाते फिर तो हम लोग जरूर जाते लेके पूरी फैमिली को, और तीन चार लोग हो रहे हैं हमारे साथ जो जाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि घर पे पड़े पड़े यार बहुत बोर हो गए हैं, थोड़ा सा घूम के आते तो और अच्छा लगता, तो जाते हैं, मगर अब ऐसा कुछ है नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी सारे स्टेट खुल जाएंगे ना उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। जिंदगी कैसे रुक सी गई ना, मैं तो पता है इस टॉपिक पे ज्यादा बात इसलिए भी नहीं करना चाहती हूँ कि मतलब लोग एंटरटेनमेंट के लिए चैनल देखते हैं, फिर उन लोगों को यही सारी चीजें सुनने के लिए मिलेंगी ना, तो उनको भी अजीब सा लगता है, वरना सच्ची में लाइफ बहुत ही बदल गई, बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं। काम करने में भी ना इतना डर सा लगता है, जैसे पार्लर खुल रहा है तो उसमें भी इतने सारा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, उसको करते करते मतलब ऐसा लगता है यार हाय इसमें कोरोना ना हो उसमें कोरोना ना हो, बहुत दिक्कत है। पहले हम लोग बिल्कुल फ्री माइंड होके जब काम करते थे ना, तब का काम करना और अब का काम करने में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं। पहले तो हम लोग सोचो एक एक दिन में कितना कितना कस्टमर डील करते थे, और अब तो खैर कस्टमर अपने आप ही धीरे धीरे करके कम हो गए हैं, क्योंकि अब आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, सबका डर निकल जाएगा तो आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो पार्लर खुला ही है, और पार्लर जब नया नया खुलता है ना तो 15-20 दिन नहीं कुछ भी काम आता है, बहुत स्लोली स्लोली चलता है पार्लर, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ पार्लर ओपन हो गया है, सब लोग जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए, थोड़ा देख के भी जाते हैं कस्टमर ना कि कितनी सफाई है कितना क्या है, तो वो सारी चीजें भी देख कर जाते हैं, तो वो सब कुछ सबको अच्छा लगता है, तो फिर उसके बाद सब लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी पार्लर को थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ना अभी पूरा स्टाफ नहीं बुलाया हुआ है, मतलब बहुत कम लोग मेरे पार्लर पर इस टाइम है, बच्चे जो है ना पार्लर के स्टाफ बहुत कम है, तो जब थोड़ा ठीक से चलने लगेगा, और पता है सैटरडे संडे का तो लॉकडाउन ही है, 5 दिन पार्लर खुल रहा है ओनली, तो इसलिए भी पूरा स्टाफ नहीं बुलाया, थोड़े दिनों बाद सबको बुला लूंगी, फिर आराम से सब लोग पार्लर में दोबारा से इंजॉय किया करेंगे जैसे हम लोग पहले करते थे। सब लोगों को मैं बहुत याद करती हूँ यार, बट क्या करें, सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। चलिए यह सब्जी लेके आ रहे होंगे, क्या क्या सब्जी लिया है? मैं तुरई लिया आया, और तुम्हारी फली ठीक है, और घुइया लिया और खरबूजे ठीक है, तरबूज तरबूज नहीं लिया ना, क्यों तरबूज ना लिया? तरबूज तो लाना चाहिए था, नहीं अब हम लोग जा रहे हैं। आई डोंट नो तरबूज आई डोंट लाइक तरबूज ओके। लीची भी थी यहाँ पे, लीची
इसकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, उसमें मैं कुकिंग वाली वीडियो शूट करती हूँ और मेकअप की तरह करूँगी, तो मेकअप चला करूँगी। इस वाले में मैं अपना होम ब्लॉगिंग चलाती हूँ, अलग अलग तरीके से चलाते हैं ना आजकल। मेरे पास तीन तीन मोबाइल हो गए, तीन तीन। अच्छा बताओ, सबका यूज अभी यूज नहीं हो रहा, एक इधर पड़ा रहता है, एक उधर पड़ा रहता है। अच्छा, आदमी सबके ऐसे ही होते हैं क्या? आदमी बहुत अच्छे होते हैं, जब देखो तब औरतों पे अत्याचार करते रहते हैं। पर मैं तो कोकोनट वाटर ही पीऊंगी। अत्याचार कर दिया भाई हमने। मैं तो कोकोनट वाटर ही पीऊंगी, कोकोनट वाटर के अलावा कुछ नहीं पीऊंगी। जरा गाड़ी कम मिला ना, मेरे मोबाइल गिर जाएगा। अरे तुम वो लगाने वाला क्यों नहीं लेके आ रहे? कौन सा? तो चिपक जाता है। गाड़ी में बैठ के आराम से ब्लॉगिंग क्या करेंगे? कुछ काम काम करो तो कुछ ला के देते नहीं। लॉकडाउन खुला है अभी तक? खुल गया बस, अब जाने देती हो तुम बाहर? नहीं नहीं जाओगे अभी। देखो ले आया कोकोनट वाटर, कुछ तो खोल लो। मलाई है तो छल्ले उड़ा दिए मलाई के, इसको मलाई को लेके चलेंगे घर। बड़ा गर्म है, जब गर्मी में तो गर्म, यहाँ बर्फ पड़ रही है। गरम कोकोनट वाटर है। ये तो फीका है, बिल्कुल फीका, बिल्कुल फीका। तो होता ही है कभी कभी यार, मलाई वाला ही होता है ये तो पानी। अब तुम मुझे वो देता ना वैसा लाल वाला, लाल वाला तो वो सही आता है, ये ग्रीन वाला होता ही फीका है। ये कोकोनट वाटर सबको बेचना सिखाएंगे। ज्यादा पानी का दिया, अच्छी बात। ज्यादा पानी क्या करूंगा जब पिया ही ना जाएगा तो? हम पी लेंगे, पियो पियो। लो ये सब पियो तो। हाँ ये ज्यादा ग्रीन है, बहुत नालायक हो भाई। नहीं खाली करके मुझे दे दिया, ये कुछ ज्यादा बेकार है, ज्यादा ग्रीन नहीं है, कच्चा है बहुत। बड़ी बेकार हो रहा तो तभी तो कहते हैं ज्यादा लालच सही नहीं। टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं। टेस्ट अच्छा कहाँ से लगेगा तुम्हें जब मीठा पी गई पहली तो? मैंने पानी से भी बुरा लग रहा मुझे। मैंने मना कर रहा था यहाँ नहीं पीते कोकोनट, जहाँ पीते हैं वहीं पिएंगे। अच्छा वो तो विदेश से लेके आता होगा? नहीं नहीं, उसके अपने पेड़ है वो। ट्रस्टेबल जगह है वो, मीठा खुद बोलता है ना उसमें। हाँ, 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 चीनी मिला के। हाँ, मलाई दी है इसने, मलाई देखो, मलाई कितनी अच्छी लगती है इसको खाने में पता है। तो ये आई है हमारी कोकोनट की मलाई जो हम लोगों ने ले ली है, उसके बाद अब हम जा रहे हैं घर और इसको घर जाके खाएंगे। कोकोनट की मलाई को घर जाके खाएंगे। तो हम लोग आ गए, इतनी गर्मी लग रही है ना बाहर, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो हम लोग क्या क्या वेजिटेबल लेकर आए हैं, लो दिखा दो कुछ। लो इसमें बहुत सारी वेजिटेबल लेके आई हूँ मैं, और कोकोनट वाटर की मलाई भी लेके आया। क्या बोल रहा? वो कटहल है, कटहल में पूरा लेके आई हूँ कटहल। जाओ दिखाओ क्या कर रही हो तुम। अच्छा चलो, ये क्या क्या वेजिटेबल है? ये खरबूजा, लौकी, अरबी, ये है। हाँ ये अरबी। अच्छा, और ये कटहल, और ओ, ये काटा काटा कैक्टस लग रहा है। अच्छा, और गाइस देखो हम अपनी चिड़ियाओं को ना अंदर ले आए, बिकॉज इनको ये ना बहुत ज्यादा मतलब हाँप रही थी। हाँ पी के आए होंगे, मलाई निकल वाली होगी है ना। ओह लाने के बाद ये हालत है मम्मी पापा की।
हाँ।